आत्मनिर्भर बिहार का जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए जनता ने आशीर्वाद के रूप में सेवा करने का एक अवसर हमको दिया है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को भी हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं कि कोरोना के इस संकट के समय में जो लोकतंत्र का चुनाव हुआ उसमें उन्होंने पूरे तरीके से पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मैदान में आकर के हौसला अफजाई करी, मार्गदर्शन करा और सबको इस चुनाव में लड़ने के लिए प्रेरित भी किया। निश्चित रूप से मतदान का जो प्रतिशत रहा, और मैं विशेष रूप से हमारे बिहार की सभी महिलाओं का, बहनों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने भी लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बिहार के विकास के लिए एनडीए को अपना समर्थन दिया। हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व माननीय सुशील मोदी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, श्री नित्यानंद राय जी, श्री मंगल पांडे जी, श्री सम्राट चौधरी जी, श्री नागेंद्र जी, दिलीप जी, सब लोग बैठे हैं। हम पुनः हृदय से धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को इस चुनाव की प्रक्रिया में, जिसको चुनाव आयोग ने बहुत सफलतापूर्वक किया, उनको शायद अपनी हार पच नहीं रही है। लगातार उन्होंने एक भ्रम फैलाने की कोशिश करी। ये उस व्यक्ति की तरह है, खासकर उस बच्चे की तरह, कि अगर खेल में जीत जाओ तो मैच आपका, नहीं जीतो तो बल्ले और विकेट सब उखाड़ के चल पड़ो। राष्ट्रीय जनता दल का ये व्यवहार लोकतंत्र की गरिमा के अनुरूप नहीं है। जनादेश का सबको सम्मान करना चाहिए और हम जनादेश का सम्मान करते हैं, और इसलिए इस जनादेश के लिए पुनः बिहार की जनता का आभार व्यक्त करते हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करते हैं और एनडीए के भी, सभी नेताओं का। एनडीए ने जिस एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ा, एनडीए के या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, विकासशील इंसान पार्टी के सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात जुटे और जनता ने पूरे एनडीए को जो समर्थन दिया उसके लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभारी महोदय। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि वह प्रेस को संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन